मामला। दोस्तों आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, मैं हूं दीपक अरोड़ा और अभी जो हमें भगवानपुर थाने के अंदर खड़े हैं और यहां पे हमारे ज़िले के जो प्रमुख हैं एसएसपी साहब वो हमारे साथ हैं यहां पर। आज हम उनसे जाने कि आज वो कोतवाली का थाने पहुंचे थे, किस लिए पहुंचे थे, क्या था सर आज अब यहां कोतवाली में पहुंचे थे, किस लिए पहुंचे थे? आज जो है विभिन्न कार्यक्रम जो है आज हम थाना भगवानपुर में किया है। पहले तो एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने किया है, उसके बाद जो भी हमारे देहात क्षेत्र में जो कोरोना संक्रमित कर्मी हैं उनका स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जो इम्यूनिटी किट है उसको हमने उनको प्रोवाइड किया, उससे उनका और उनका परिवार वाले का जो है इम्यूनिटी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा भूमिका रहेगा। उसके बाद दो घटना, एक थाना भवानपुर का घटना है, 307 का मुख्य अभियुक्त का गिरफ्तारी का खुलासा किया है और थाना कलियर में दो लूट का घटना का अनावरण हुआ है और उसका खुलासा किया है। इसके बाद हमारा सभी थाना अध्यक्ष दीघा क्षेत्र का मौजूद है, सभी राजपत्रित अधिकारी मौजूद थे और थाना भवानपुर का जो कर्मचारी है इनका साथ जो है हमने सम्मेलन किया है और उनका समस्या का हमने सुनवाई करी। सर छोटी जानकारी लेंगे कि सर कई दिनों से एक मामला चल रहा है कि उत्तराखंड के जवानों उनको अपनी पे को लेकर चल रही है, डीजीपी साहब का भी आदेश उसमें हुआ है उसको लेकर आप? नहीं, ये पे का जो विसंगति के बारे में हमने जवानों से भी अनुरोध किया है कि ये किसी तरह का अफवाह में ध्यान न दे, उसका अच्छी तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है ऊपर विचार चल रहा है, जल्दी से जल्दी इसमें एक अच्छा निष्कर्ष निकल के आएगा।